हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनकुक अपनी ब्रदर और ब्रदरिन लॉ के साथ गांव आ रहा था। जनकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर उसके डैड और मॉम ने उसको फोर्सफुली गांव भेज दिया। जनकुक ने आयम और जिन से कहा, आप लोगों ने गाँव आने से मना क्यों नहीं किया? आयम कहता है, जनकुक तुमने देखा ना डैड कितना गुस्से में थे, और अगर मना करते ना डैड और गुस्से में आ जाते। जनकुक कहता है, क्या डैड के गुस्से के बारे में आप लोग क्यों सोच रहे हो, जबकि उनको हम लोग के बारे में नहीं पड़ी है। उनको तो वही करना है जो उनको चाहिए होता है। शुगा कहता है, हाँ मैं भी डैड से बहुत ही नाराज़ हूँ। मैं जब बीमार था डैड ने मुझे देखा भी नहीं। उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, और इसीलिए तो आरएम ह्यूंग और मेरी शादी जिन और जिमिन के साथ करवा दिया है, क्योंकि उसके डैड बहुत ही अमीर है। बिजनेस की वजह से डैड ने हमारी शादी करा दिया था। वो तो अच्छा हुआ आरएम ह्यूंग और मुझे जिमिन और जिन से प्यार हो गया है, वरना तो और तुम्हारी शादी वो कराना चाहता है, वो भी बिजनेस के लिए यूनो के साथ, लेकिन तुमने करने के लिए मना कर दिया। तो डैड को गुस्सा आ गया और वो चाहता है कि तुम गांव में रहो कुछ दिनों के लिए। जनकुक देखो, अगर गांव आ ही गए हैं तो कुछ दिन के लिए घूम लेते हैं ना, अब नाराज होना बंद करो। जिमिन कहता है, हाँ जनकुक शुगा ने सही कहा। जिहुब कहता है, मेरी शादी भी तो करवाया है, तुम लोग मेरे बारे में नहीं बोल रहे हो क्या? मेरी शादी भी तो वैन से करवा दिया है। जनकुक कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। आप लोगों ने डैड की बातों से शादी क्यों कर लिया? मुझे डैड की बातों से शादी नहीं करना है, मुझे उससे ही प्यार करना है, उससे ही शादी करना है जिससे मैं प्यार करना चाहता हूँ। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी क्यों करूँगा जो मुझे पसंद नहीं है। आप लोग को शादी करना था, आप लोग को शादी मुबारक है, लेकिन मुझे अपनी मर्जी से शादी करना है। और यहाँ पर तियांग को तियांग के डैड समझा रहा था, तियांग बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर जाना तुम्हारे लिए बहुत ही रिस्क है, तुम घर के अंदर ही रहना। तियांग के स्टेप मदर तियांग के फादर से कहता है, वो बाहर क्यों जाएगा? वो अगर बाहर जाएगा ना तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। उसकी आदतें बहुत ही बुरी है, वो लोगों के साथ जाकर फ्लोटिंग करता है। तियांग कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया है। अम्मा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपा मैंने ऐसा नहीं किया है। तियांग के फादर कहता है, बस बहुत हो गया है। लेकिन तियांग तुम मेरी बातों को कान खुलकर सुन लो, मैं बाहर नहीं जाना है। तियांग को लगता है तियांग के डैड इसलिए बाहर नहीं जाने देना चाहता है क्योंकि उसकी मॉम ने कहा कि तियांग की कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खराब है। लेकिन तियांग के डैड तो तियांग को इसलिए बाहर जाने के लिए मना कर रहा था क्योंकि तियांग गे है, तियांग की डैड को पता है और सबकी नज़र तियांग पर है। तियांग बहुत ही इनोसेंट, उसके साथ ब्यूटीफुल है, सब तियांग के साथ इंटीमेट होना चाहता है, उसको गलत तरीके से छूना चाहता है। तियांग के डैड इसलिए तियांग को सबकी नज़रों से बचा कर रखना चाहता है, लेकिन तियांग है कि किसी की बात नहीं सुनता है। तियांग के डैड जैसे ही घर से बाहर निकल गया, वो तो बाहर चुपके से निकल कर आ गए और तियांग की मॉम तियांग को ढूंढते रह गया। तियांग कहीं पर नहीं मिल रहा था। तियांग की स्टेप मदर तियांग को पसंद नहीं खाता है, उनको तो मौका चाहिए होता है तियांग को डांटने के लिए। तो जैसे ही देखा कि तियांग घर पर नहीं है, तियांग की स्टेप मदर पहले से ही नाराज थे, अभी और गुस्से में आ गए। तियांग जैसे ही वापस आने वाले हैं, तियांग की स्टेप मदर उसको भूखा रखने वाले हैं, वो पहले से ही सोच कर रखा है। यहाँ पर जनकुक अपने ब्रदर के साथ गाँव के घर पर आ जाते हैं। आने के बाद से जनकुक कहता है, ये कौन सी जगह पर आ गया है? यहाँ पर ऐसे घर करने की क्या ज़रूरत है? हम तो शहर में ही अच्छे थे, मुझे यहाँ पर दिल नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना है। तो सब लोग कहता है, जनकुक आ ही गए तो कुछ दिन रुक जाते हैं, अब जिद करना बंद करो वरना डैड को और गुस्सा आ जाएगा और तुम्हारी शादी यूनो से करवा देगा। जनकुक कहता है, क्या वो मुझे चाहकर भी किसी और से शादी नहीं करवा सकता है जब तक मैं ना चाहूँ? और मुझे यूनो से शादी नहीं करना है, वो मेरा दोस्त है और दोस्त बनकर रहेगा, मेरा हस्बैंड कभी नहीं बन पाएगा। जिन कहता है, जनकुक कहाँ जा रहे हो? बाहर मत जाओ, अभी तो यहाँ पर आए हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, खो जाओगे। जनकुक कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि मैं खो जाऊँगा। ऐसे भी मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं बाहर थोड़ा सा घूम कर आता हूँ, आप लोग जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। जिन कहता है, ये लड़का भी ना, अरे तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, तुम्हारा भाई बहुत ही ज़िद्दी है। आरएम कहता है, आप तो जनकुक को कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में है। डैड अगर गुस्से वाला है तो वो भी कुछ कम नहीं,
हम सब ने तो डैड की बात मान लिया था, लेकिन जनकुक नहीं मानने वाले हैं। जनकुक बाहर घूमने के लिए आ गए हैं और उसने तियांग को देखते ही कहा, हे क्या कर रहे हो तुम? तियांग कहता है, सो सॉरी, मुझसे गलती हो गए है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मैंने रोज़ जानबूझकर नहीं तोड़ा है, मैंने एक भी नहीं तोड़ा है। देखो, जनकुक कहता है, वो तो देख ही रहा हूँ, तुम्हारी हाथ पर भी है और तुम्हारे मुंह पर भी है, और तुमने अपने कान पर भी एक लगाया है, तो तुमने रोज़ नहीं तोड़ा है। हाँ, तियांग कहता है, वो मुझसे गलती से हो गया है, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। अचानक तियांग की नज़र जनकुक पर पड़ता है। तियांग बहुत ही शौक होकर कहता है, जियोन जनकुक, ओ माई गॉड, मैं क्या देख रहा हूँ, तुम मेरे सामने हो, लाइक रियली, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, इतने बड़े सेलिब्रिटी मेरे सामने है, क्या तुम सच में मेरे सामने हो? जनकुक कहता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तियांग कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है, और तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे लोगों को तुम्हारे फ़ैन भी बनाया है, और वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे अपडेट सबको दिया करता हूँ। तियांग बहुत ही खुश होकर बोल रहा था। तियांग की फेस बहुत ही चमक रहा था। जनकुक तियांग की चबड़ी बबड़ी फेस को देखकर उसको प्यार आ रहा था। पहली बार जनकुक ने तियांग की गाल को छूकर कहा, तुम मेरे फैन हो? तियांग कहता है, हाँ, और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जनकुक तियांग की फेस को छूते हुए कहता है, देखो बच्चे, मुझसे बचने के लिए झूठ मत बोलो, तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम तो गांव में रहते हो, डैड ने कहा था, गांव वाले तो टीवी नहीं देखते हैं और फोन भी यूज़ नहीं करते हैं, तो तुमने मुझे कैसे देख लिया? डैड को लगा गांव में मुझे कोई पहचानते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे गांव भेज दिया है, ताकि मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आराम से घूम सकूँ और मुझे गाँव से दिल लगाव हो जाए, लेकिन मुझे गाँव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लगता है मैं अगर यहाँ पर नहीं आता तो शायद कुछ मिस करने वाला था। तियांग कहता है, क्या क्या तुम्हें गांव पसंद नहीं है? देखो, एक गांव बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल है, मुझे रोज़ बहुत पसंद है, और मुझे तो वाइट रोज़ ज़्यादा पसंद है। जनकुक कहता है, तो तुम अपनी गलती मानते हो कि तुमने रोज़ को? तो तियांग कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पनिशमेंट मत करना। जनकुक कहता है, ठीक है, पनिशमेंट नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तियांग कहता है, क्या करना होगा? जनकुक कहता है, सुनो बच्चे। तियांग कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं 17 साल का हूँ। तियांग की बात सुनकर जनकुक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तो ठीक है, तुम अगर 17 साल के हो, लेकिन तुम एडल्ट नहीं हो, लेकिन अब मैं तुमसे जो बोलने वाला हूँ, अगर तुम मुझसे पनिशमेंट नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें फूल तोड़ने के लिए कोई पनिशमेंट दूँ, तो मुझे तुम्हें किस करने दो। तियांग कहता है, क्या क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? जनकुक कहता है, हाँ, पता नहीं क्यों पहली बार मुझे किसी को किस करने का मन कर रहा है, मैंने इतना एक्टिंग किया है, मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, उसके बाद भी मैंने किसी के साथ इंटीमेट या फिर रोमांस वाला सीन नहीं किया है, लेकिन पहली बार मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करने का मन कर रहा है, तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए पर्वत बनते जा रहा हूँ, इतना शेमलेस बातें मैंने कभी नहीं किया है, क्या अब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ क्या? इससे पहले कि तियांग कुछ बोलते, जनकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया, उसको किस करने के बाद उससे अलग हो गए और तियांग से कहा, सॉरी, वो मैं करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं तुम्हें देखकर रोक नहीं पाया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था गांव में इतने ब्यूटीफुल और हैंडसम लड़के भी हो सकते हैं, तुम गाँव में कैसे हो सकते हो, तुम्हारे जैसे लड़के को तो शहर में होना चाहिए। तियांग कहता है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जनकुक कहता है, क्या पूछो? तियांग कहता है, तुमने अपना टांग यूज़ क्यों नहीं किया किस करने के टाइम पर? तियांग की बात सुनकर जनकुक कहता है, क्या कहा तुमने? तियांग कहता है, तुमने टांग क्यों नहीं यूज़ किया किस करने के टाइम पर? जनकुक कहता है, नौटी बच्चा, तुम बहुत ही छोटे लगते हो। तियांग कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं 17 साल का हूँ। जनकुक कहता है, लेकिन तुम दिखने में तो 15 साल के लगते हो। तियांग कहता है, लेकिन मैं हूँ नहीं, मैं 17 ईयर्स का हूँ। जनकुक कहता है, लेकिन मेरे तुम 15 ईयर्स के हो। तो जनकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, लेकिन तुम्हें टांग यूज़ करना चाहिए था, तुम इस तरह से मुझे किस नहीं कर सकते हो, तुम्हें अगर किस करना ही तो पोपाली करो। जनकुक कहता है, देखो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, एक तो तुम एडल्ट नहीं हो, ऊपर से तुमने मुझे शेमलेस बना दिया,
और ऊपर से ये भी बोल रहे हो कि टांग यूज़ करने के लिए। चलो अब अपने घर जाओ। और हाँ, जाने से पहले तुम्हारे घर के एड्रेस मुझे दो। तुम कहाँ पर रहते हो? तियांग कहता है, लेकिन तुम्हें उसे क्या करना है? क्या तुम मेरे घर आने वाले हो? लेकिन मेरे स्टेप मादा बहुत ही गुस्से वाला है, वो तुम्हें डांट देगा। लेकिन जब उनको पता चलेगा ना, तुम वो ही हो जिसको मैं इतना पसंद करता हूँ, जिसकी फ़ोटो मेरे रूम में लगा हुआ है, वो तो मुझे घर से निकाल देगा। और तुम्हें वो नफ़रत करता है, पता नहीं क्यों। और जंगू कहता है, क्या वो मुझसे नफ़रत क्यों करता है? तियांग कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ इसलिए, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता है। और मैं जिसको पसंद करता हूँ उन्हें वो क्यों पसंद करेगा? जंगू कहता है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग के गुलू मुलू सा फेस पिंकी सा हो जाता है। जंगू तियांग की चीक पर किस करते हुए कहता है, चलो मुझे तुम्हारा घर दिखाओ। उसके बाद तियांग ने जंगू को चुपके से पीछे से उसके रूम दिखा दिया कि यह मेरा रूम है और यहाँ से ही मेरे रूम दिखता है, यही मेरे रूम की विंडो। जंगू कहता है, हाँ ठीक है, तुम अब घर जाओ। तियांग जैसे ही चुपके से घर के अंदर जा रहा था, तियांग के स्टेप मादर उसके सामने आकर खड़े हो गए और तियांग से कहा, कहाँ गए थे? तियांग कहता है, वो मैं स्कूल जाने के बाद मैं खेलना शुरू कर दिया तो मुझे टाइम का पता नहीं चला। तियांग के स्टेप मादर कहता है, स्कूल जाने के लिए मना किया था ना तुम्हारे डैड ने, जब तक वो घर नहीं आ जाते हैं। वो कुछ दिनों के लिए काम पर गया था और उनने कहा था तुम्हें घर रहने के लिए। तुमने स्कूल तो चला गया ही, ऊपर से तुमने घर पे भी लेट करके आए हो, अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जाओ जाकर सो जाओ और तुम भूखा ही रहोगे, आज पूरे दिन तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। तियांग कहता है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है मॉम। तियांग के मॉम कहता है, मैंने कह दिया है ना तुम्हें आज खाना नहीं मिलने वाला है, सारा खाना ख़त्म हो गया है, जाओ जाकर सो जाओ बदतमीज लड़का। उसके बाद तियांग अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद तियांग तो बहुत ही खुश था, उसके पेट भूख से मर रहा था, लेकिन वो जंगू की फ़ोटो को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके पेट में बावल्स फूल रहे थे, वो तो जंगू के बारे में सोचकर ही खुश हो रहे थे, उसका पेट भर रहा था। वो पिक्चर देखते हुए उसकी फ़ोटो पर किस करता है और उसके बाद कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, वो मेरे गाँव आए हैं, मुझे किस किया, वो मुझे पसंद तो नहीं करता है ना, वो ब्लश करता है। उसके बाद तियांग पिल्लों पर सो जाते हैं, उसको नींद आ जाता है, वो भूखा था उसके बाद भी उसको नींद आ गई, क्योंकि जंगू के बारे में सोचकर उसको बहुत ही सुकून मिल रहा था। अचानक मिडनाइट को तियांग को महसूस हुआ उसकी गर्दन पर कुछ गीला गीला सा। तियांग अपने आइज को ओपन करते हुए जंगू को देखकर शॉक हो गए। तियांग जंगू को देखकर शाउटिंग करने ही वाला था, लेकिन जंगू ने तियांग की होठों पर फिंगर रख दिया। तियांग को कहा, चुप हो जाओ। तियांग वो अपना मुंह बंद कर लिया और जंगू से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मॉम अगर देख लेंगे तो बहुत बुरा होगा, मेरे साथ साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देगा। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और तुम यहाँ पर कैसे आए? जंगू ने तियांग से कहा, तुम इसके लिए टेंशन मत करो, तुमने रात को कुछ खाया नहीं होगा ना, तुम बहुत ही भूखे होंगे, चलो उठ जाओ। तियांग कहता है, क्या मतलब? जंगू कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तियांग कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? मुझे भूख नहीं है, मैं आज बहुत ही खुश हूँ ना इसलिए। तियांग की बात सुनकर जंगू उसको गले लगा लेता है और कहता है, माय क्यूट बियार, तुम्हें किसने कहा कि तुम भूखे नहीं हो? तुम्हारा पेट भर गया है, तुम्हें खाना खाना चाहिए टाइम पर। लो मैं तुम्हारे लिए कपकेक लेकर आया हूँ। तियांग कहता है, ये तो यहाँ पर नहीं मिलता है, ये तुम कहाँ से लेकर आए हो? ये मैंने तुम्हारी ड्रामा पर देखा था। इसको देखने के बाद से ही मुझे उसको खाने के लिए बहुत ही मन कर रहा था, अच्छा हुआ तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो। और तियांग उसको बहुत ही शौक से खाते हैं। जंगू उसको खाते हुए देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद तियांग को टाइटली पकड़कर सो जाते हैं। तियांग कहता है, तुम यहाँ से कब जाने वाले हो? अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो मॉम देख लेंगे और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे और तुम आए थे कैसे? जंगू कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, चलो सो जाओ। और तियांग को अपनी बाहों में लेते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग आंखें खोलकर देखता है जंगू नहीं है, तो फिर तियांग जंगू को हर तरफ ढूंढने लगा, तियांग कहीं पर नहीं था। जंगू तियांग की हैंड पर एक चिट्ठी छोड़कर गया था।
तियांग अपनी हैंड की मुट्ठी को खोलते हुए देखा। उसमें लिखा हुआ था, शाम को मुझसे मिलने के लिए उस जगह पर आ जाना जहाँ पर हम दोनों पहली बार मिले थे। तो फिर तियांग शाम को आज फिर से उससे मिलने के लिए घर से निकलने वाले थे। तियांग की स्टेप मादर ने उसे मना कर दिया था, लेकिन उसने स्टेप मादर की बात नहीं सुना और घर से निकल गया। तियांग की स्टेप मादर ने कहा, आज तुम्हारे डैड घर वापस आने वाले हैं, मैं भी देखता हूँ तुम घर वापस कैसे आते हो, आज तुम्हारा खैर नहीं। तियांग ये सब कुछ सुनने के बाद भी वो जनकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर जनकुक को उसकी ह्यूंग ने कहा, जनकुक कहाँ जा रहे हो, तुम जब से यहाँ पर आए हो तुम किसी के साथ मिल तो रहे हो, तुम्हारी शक्ल देखकर पता चल रहा है तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, आखिर क्या बात है, तुम रात को भी घर पर नहीं थे, कहाँ गए थे तुम। जनकुक हमें बताओ, किसी भी बातों को छुपाना मत, जनकुक कहता है, तो आप लोगों ने पकड़ ही लिया, हाँ मुझे यहाँ पर कोई पसंद आ गया है और मैं उसे प्यार कर बैठा हूँ, मुझे उससे ही शादी करना है। आरएम शुगा और जेहुक कहता है, क्योंकि हम तीनों तुम्हारे ब्रदर हैं तो हमें ये जानने की हक है तुम किससे मिल रहे हो और तुम हमारे छोटे भाई हो, हम नहीं चाहते हैं तुम किसी ऐसे इंसान की जाल में फंस जाओ जो तुम्हें धोखा देने वाला है। जनकुक, वो कौन है हमसे मिलवाओ। तो जनकुक तियांग के पास आते हैं और तियांग से कहता है, तियांग मेरे साथ चलो। तियांग कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। जनकुक कहता है, मुझे तुम्हें अपनी ह्यूंग से मिलवाना है, वो लोग तुमसे मिलना चाहता है। तियांग कहता है, क्या, लेकिन मैं अगर उन लोग को पसंद नहीं आया तो। जनकुक कहता है, तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हें मेरी ह्यूंग से मिलना होगा, तुम्हें उन लोगों के दिल जीतना होगा। तियांग कहता है, हाँ मैं वो कर लूँगा। उसके बाद जनकुक ने तियांग को अपने साथ ह्यूंग के पास लेकर आया। सारी ह्यूंग्स तो तियांग को देख कर ही खुश हो गए, तियांग की इनोसेंट फेस सबका दिल जीत लिया। आरएम तो तियांग को गोद में उठा लिया। शुगा तियांग के फोरहेड पे किस करने लगे। जिहुप ने तो तियांग को बहुत ही प्यार दे रहा था। जनकुक तीनों के पास से तियांग को छुरा कर लेकर आते हैं और कहते हैं, क्या लगा कर रखा है, ये मेरा हस्बैंड होने वाला है इसीलिए आप लोग उसको इस तरह से टच नहीं कर सकते हो, वो लोग कहता है। जनकुक तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तियांग बहुत ही क्यूट है। जनकुक कहता है, हाँ तो क्या हुआ, आप लोग उसको इस तरह से टच थोड़ी कर सकते हो, सिर्फ मैं उसको टच करूँगा और कोई नहीं। तो जिन कहता है, वो तो ठीक है जनकुक, लेकिन तियांग 17 साल का है, अगर बाद में उसका पसंद बदल गया तो, और वो तुम्हें एक सेलिब्रिटी के तौर पे पसंद करता है। जिमिन कहता है, हाँ जिन सही बोल रहा है, अगर जनकुक तियांग ने तुम्हें बाद में भुला दिया क्योंकि तुम आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो इसीलिए वो तुम्हें पसंद करता हो और तुमसे प्यार करता हो और शादी करना चाहता हो, तुम्हारे करीब आना चाहता हो, तो अगर तुम्हारे पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे तो क्या होगा। जेहुक कहता है, हाँ मेरा भी वही क्वेश्चन है, अगर तियांग ने तुम्हारी फेम और पैसे के लिए सब कुछ किया हो तो क्या करोगे जनकुक। जनकुक कहता है, आप लोग को अगर ऐसा लगता है तो ठीक है। तियांग, क्या तुम मुझे इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास पैसा है, ये सब कुछ के लिए। तियांग कहता है, हाँ मैं तुम सेलिब्रिटी हो इसलिए तुम मुझे पसंद हो, लेकिन तुम अगर सेलिब्रिटी नहीं होते तो मैं तुम्हें कैसे देखता, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे हस्बैंड मुझे मिलने वाले हैं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सच में, और मैं तुम्हारे पैसों से नहीं प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जनकुक। जेहुक कहता है, तो ठीक है हम अगर जनकुक के पास सारे पैसे अपने पास ले लेंगे, उसके बाद जनकुक को और तुम्हें गाँव में खेती करने के लिए और रहने के लिए छोड़ देंगे, क्या तब भी तुम जनकुक के साथ ही रहने वाले हो या फिर उसको छोड़ दोगे और किसी अमीर लड़के के साथ शादी कर लोगे। तियांग कहता है, जनकुक अगर गांव में रहेगा ना और वो अगर सड़क पर भी सो गए मुझे लेकर तो मैं वहाँ पर भी रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे जनकुक से मतलब है, पैसे या फिर घर से नहीं। जनकुक तियांग की बातों से बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग की बातों को सुनते हुए जनकुक उसकी ह्यूंग और उसके ब्रदर इन लॉ सब लोग बहुत ही खुश हो गए और तियांग से कहा, ठीक है तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारी शादी की बातें करेंगे, उसके बाद जनकुक का तुम्हारी शादी होंगी। जनकुक कहता है, हाँ मुझे तियांग से ही शादी करना है। उसके बाद तियांग को लेकर तियांग के घर चले जाते हैं। तियांग के डैड आ गए थे। तियांग के मॉम तियांग के साथ बहुत ही रूडली बातें कर रहा था। ऊपर से तियांग के अप्पा भी तियांग से बहुत नाराज़ थे क्योंकि तियांग के मॉम ने
तियांग को अपा को बहुत ज़्यादा बातें बोलकर उसको गुस्सा दिला दिया था। तो जैसे ही तियांग की डैड तियांग को डांटने वाला था, अचानक जनकुक को देखकर तियांग के डैड शॉक हो गए। जनकुक तियांग के अप्पा से कहा, देखिए अंकल, मैं आपके बेटे से शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस शादी के लिए हाँ कर दें, क्योंकि तियांग मुझे पसंद है और किसी भी हालत में मैं तियांग से शादी कर कर ही रहूँगा। तो तियांग के डैड कहता है, तुम्हारी बातों से क्या होता है, मैं तुम्हारे साथ तियांग की शादी क्यों करवाऊँगा, जबकि मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम कौन हो। तियांग कहता है, डैड ये वही है जिसके फ़ोटो मैं अपने रूम में लगाया करता हूँ, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जियोन जनकुक। तियांग के डैड कहता है, तुम्हें क्या लगता है एक सुपरस्टार तुमसे शादी क्यों करेगा, वो तुम्हें अपने घर की नौकर बनाना चाहता है और कुछ नहीं। तियांग तुम घर आ जाओ और तुम जाओ यहाँ से। जनकुक के ब्रदर आरएम शुगा जी हो और यहाँ पर ब्रदर इन लॉ जिन और जिमिन आ जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर किम, आपको क्या लगता है जनकुक कोई ऐरा गैरा लड़का है क्या जो तियांग को शादी करने के बाद घर की नौकर बनाएगा? अगर अगर नौकर बनाना ही है तो हम तो नौकर को ऐसे ही रख सकते हैं, इसलिए जनकुक को शादी करने की क्या ज़रूरत है? वो अगर शादी करना चाहता है इसका मतलब वो तियांग से प्यार करता है। अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो? और जनकुक तियांग को बहुत ही खुश रखने वाला है, आप इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। आपको अगर हमारे बातों पर यकीन नहीं है तो ठीक है, आप हमारे साथ चलिएगा और हमारे घर में रहकर देखिएगा तियांग जनकुक के साथ खुश रहता है या नहीं। तो तियांग के डैड इन लोगों की बातों को सुनकर शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन जनकुक के डैड को जैसे ही पता चला वो तो बहुत ही गुस्से में आ गए। क्या गांव में एक लड़के के साथ शादी करना चाहता है? वो आमिर घर का नहीं है, वो उसे शादी क्यों करेगा? यूनो के साथ ही जनकुक को शादी करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मिस्टर जियोन गांव में आ जाते हैं, वो जनकुक के डैड को देखकर ही शॉक हो जाते हैं। वो आखिर उसके बहुत अच्छे दोस्त है। मिस्टर जियोन और मिस्टर किम एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मिस्टर जियोन कहता है, तुम हो और तुम्हारा सन तियांग, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मुझे शादी के लिए कोई इतराज़ नहीं है। मिस्टर किम कहता है, तो जनकुक तुम्हारा बेटा है, अब तो मुझे भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जनकुक और तियांग की शादी हो जाता है। जनकुक और तियांग की शादी की फर्स्ट नाइट है, जनकुक तियांग के पास आकर बैठ गए। तियांग ने जनकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या कुछ करने वाली हो या फिर नहीं? जनकुक कहता है, तुम्हें नहीं लगता है तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बातें करते हो, अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, अब तुम सो जाओ। तियांग कहता है, क्या ए तुम क्या बोल रहे हो? जनकुक कहता है, हाँ जब तुम एडल्ट हो जाओगे तभी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने वाला हूँ, इससे आगे मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। तियांग कहता है, देखो अगर तुम नहीं करोगे ना मैं बहुत ही चिल्लाऊंगा ताकि सब लोग रूम में आ जाए और मैं तुम्हारे नाम पर बहुत बुरा भला कहूँगा। जनकुक कहता है, तियांग तुम क्या बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तियांग शाउटिंग करने ही वाला था तो जनकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया, लेकिन तियांग जैसे जनकुक से अलग हुए। तियांग ने जनकुक से कहा, तुमने टांग का यूज़ नहीं किया है। जनकुक कहता है, तुम फिर से वही बातें कर रहे हो, तुमने मुझे शेमलेस बना दिया है। तियांग तुमसे मिलने के बाद से ही मैं शेमलेस बन गया हूँ। तियांग कहता है, मुझे नहीं पता, तुम अपनी टांग का यूज़ करो और उसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानते हो, अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं ऐसे भी एक मंथ बाद 18 साल का होने ही वाला हूँ, एक मंथ से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, चलो ना अब शुरू करो वरना हमारी शादी की फर्स्ट नाइट वेस्ट हो जाएंगे। जनकुक तियांग की बातों को सुनकर मुस्कुराता है। उसके बाद तियांग की होठों पर किस कर लेते हैं और टंग से शक करने लगते हैं। जनकुक अपनी टंग का यूज़ कर रहा था जिसे तियांग को बहुत ही खुशी मिल रहा था। सो गाइस यहाँ पर एडियन कहता हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।